गुरुग्राम के गुजर चौक के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे आसपास जो मेरे सहयोगी रजिंदर के कैमरे से आप देख रहे होंगे, मलबा है बिल्कुल काला, क्योंकि यहाँ पर रजाई और गद्दे की एक दुकान थी, उस दुकान को जला दिया गया। ये आग ख़त्म हो चुकी है, बुझ चुकी है, लेकिन जिसकी ये दुकान थी, जिसका इसी में आशियाना था, उनके मन में जो डर पैदा हुआ है वो कब बुझेगा, ये बड़ा सवाल है। और सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, कहीं आपको टुकड़े अवशेष जो है वो नज़र आ रहे होंगे रजाई गद्दे के, जो कि सब कुछ ख़त्म है। यानी जिसकी ये दुकान थी, उनको अगर वो चाहे भी इसमें से कुछ बचा पाना, तो एक भी ऐसा सामान नहीं है जो सुरक्षित बचा करके वो रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मलबा है, ये जो दुकान थी, ये एक कल्लू नाम के शख्स की थी, क्योंकि बीते दिन यहाँ से एबीपी न्यूज़ ने ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें उन शख्स का आधार कार्ड भी जल गया था। और यहाँ पर जब मैं पहुँची हूँ तो सिर्फ मलबा ही नज़र आ रहा है, ये तस्वीर है यहाँ पर। और दरअसल यहाँ जिनका घर था, जिनकी दुकान थी, वो सब कुछ जल चुका है। और यहाँ इसके बगल में एक बस्ती आपको नज़र आ रहा होगा, और इस बस्ती में कई परिवार रहते हैं, पिछले कई सालों से रहते हैं। और ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए कई लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयनुल हक है। ये जो मलबा है, ये कल्लू नाम के शख्स का था? हाँ, कल्लू नाम का शख्स था। तो वो कहाँ है अभी? वो तो कल गांव चला गया है वो अभी। उनका घर किधर है? कल्लू? हाँ। वो तो उसी में रहता था जिसमें दुकान थी, उसी में घर था। हाँ, उसमें दुकान की साइड में जो रहता था वो वही। अच्छा। हाँ, वही रहता था वो। तो जल गया? अब जल गया, इसीलिए चला गया वो गाँव, क्योंकि वहाँ तो कोई है नहीं, उसका अभी खाना पीना तो कौन देगा, उसको है नहीं अभी, इसलिए गांव चला गया। कब गए? कल ही गए? कल चला गया। 65 साल की बुड्ढा था। कितनी उम्र? 60। हाँ, वो तो मेरी मुलाकात हुई थी कल उनसे, कुछ 60-65 साल उम्र थी। साल? हाँ, 65 तो ऐसे होगा, 60-65 साल की उम्र का तो बुड्ढा आदमी था, वो चला गया गांव। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बंगाल के हैं, मालदा जिले का। मालदा जिले के? हाँ। आप ठीक है? नहीं, हम तो अभी थोड़ा थोड़ा डर लगता है, तो हम भी गांव जाने वाला है, तैयारी कर रहे हैं। आप भी गांव जा रहे हैं? हाँ, गांव जाने वाला, तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करे जाने की? हाँ, जाने। मतलब आप यहाँ से निकल जाएंगे? हाँ, यहाँ जाने निकल जाएंगे। क्या करेगा मैम, इसका आदमी का अगर सेफ्टी नहीं है, अगर देखिए इसमें हम किस लिए आए हैं मैम, हर कोई इसमें बच्चों पालने आया है, बच्चों के आगे देखने के लिए आए हैं, हम भी कमाने आए हैं, हमारा बीबी भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, यहाँ 250 आदमी लेडीज जेंट्स, 500-600 आदमी सारे काम करते हैं। मैं तो काम करता हूँ आज से नहीं मैम, 8 से 10 साल से मैं गुज्जर का पास काम करता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं जिम में काम करता हूँ, ग्राउंड देखभाल करता हूँ, फूल पौधे देखभाल करता हूँ, ये सब काम करता हूँ मैम। जहाँ बच्चों अच्छा अच्छा बच्चों राइडिंग करने जाते हैं, जिसमें अच्छा हैबिटिंग मिलता है, उस सब काम हम में शामिल रहते हैं। हम अच्छे जगह बनाते हैं, अच्छे मैडम साहब बच्चों लेके जाके वहाँ पार्टी करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये सब। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सोहेल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ, हम लोग। जी जी मैम। यहाँ कितने लोगों का परिवार है जो यहाँ रहता है आप लोगों के साथ? यहाँ तो कम से कम हम लोग 250-300 परिवार है, बिहारी बंगाली सब मिलके मैम। अच्छा, रहते थे? जी मैम। और आप लोग? हम लोग को काफी 3-4 साल हो रहे हैं मैम। 4 साल? जी मैम। मेरा घर में क्या है मैम, मेरा घर जैसे एक लाइन है, मेरा लाइन की बगल में 7 हिंदू भाई का रूम है। अच्छा। मेरा लेफ्ट हाथ की रूम में 6 हिंदू भाई का रूम है, बीच में मैं मोहम्मद सोहेल। 20 दिक्कत हुई? आज तक कभी दिक्कत नहीं मैम, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं मैम। डर हम लोग को इस चीज़ का है, देखो हम तो यहाँ लड़ाई करने किसी से आए नहीं है, अपनी जान बचाना है। उस दिन वो दंगा देख के आदमी को माहौल बहुत डर का हो गया था। अच्छा, तो ये मुझे ये बताइए सोहेल भाई कि रजिंदर जी एक बार कैमरा दिखाइए ज़रा, ये घर जो मैं देख रही हूँ, इसमें भी ताला लगा हुआ है। इसमें क्या है ना मैम, जब वो फूक गया था तो डर की मारे वो बेचारा क्या करेगा, उसका पास बाइक था, उसका बीबी को लेके वो खुद यहाँ से भाग गया मैम, गांव भाग गया। अच्छा, किनका घर था ये? इसका नाम क्या था? कादिर नाम थे मैम। जी मैम। कहाँ के रहने वाले? वो भी एक ही, हम लोग एक ही पड़ोसी एक। जी मैम। तो ये बंगाल के थे और कल ही चले गए या परसों गए? परसों, जिस दिन आग जला था उस दिन ही भाग गया मैम। अच्छा, ये तस्वीर दिखाइए, ये दिखाइए कि ये जिनका घर था, ये भी घर में ताला लगा के निकल चुके हैं, यानी इस घर से भी पलायन हो चुका है। ये परिवार भी बंगाल जिले के ही रहने वाले थे। अच्छा, ये बिहार से थे? जी मैम। तो
ये कहाँ गए, मतलब ये बिहार चले गए? ये भी गांव चला गया। गांव चले गए। इनका क्या नाम था? इसका नाम था, क्या नाम था? नाम तो उसका याद नहीं है, बिहार का था वो। अच्छा, जैसे ये वाला भी चला गया रूम, ये भी चला गया। हाँ, ये जो सामने है ये भी चला गया है। मतलब यहाँ 250 परिवार बता रहे हैं कि रहते हैं। और मैं आपको दोनों तरफ अगर तस्वीरें दिखाऊं, ये दिखाइए जरा, ये भी ताला लगा हुआ है। ये भी परिवार जो बंगाल जिले के रहने वाले थे वो यहाँ से निकल चुके हैं, और ये भी जिस दिन गुरुग्राम में हिंसा हुई है उस दिन निकले हैं। ये परिवार है, ये है, ये जिनका घर है वो है अभी। अच्छा, बेटा है उनका, फैमिली बाकी लोग जा चुके हैं। ये भी, ये तो जा ही चुके हैं। इसके बगल में ये एक और फैमिली रहती थी, ये चले गए, गांव चला गया अभी। ये कहां के रहने वाले थे? ये भी बंगाल का था सर, बंगाल का था ये भी। मतलब अभी तक तो 6 परिवार में देख रही हूँ कि 6 परिवार के लोग जा, परिवार और जाने वाला है उधर, उधर से जा रहा है बंदा कुछ। अच्छा, चले उधर। आप लोगों को क्या डर किस बात का लग रहा है? ये तो सुरक्षित है, सरकार कह रही है कि आप में से कोई जो है वो यहाँ से ना जाए। सब रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं जो दूसरे शहर आए हैं। इसमें कोई हम लोग को डर नहीं है, डर लगता है थोड़ा सा। हाँ, डर लग रहा है इसकी, कहेगी फिर दोबारा आग ना लग जाए, कहीं रात में मारपीट ना हो जाए, जैसे कोई आदमी, इसीलिए डर लगता है। हम सारे जितना भी फैमिली है यहाँ पे मैम, सारे हम गुज्जर की साथ ही काम करते हैं मैम। अच्छा। आज से नहीं मैम, आज से नहीं, कम से कम 8-9 साल से हम गुज्जर में ही काम कर रहे हैं। आज देखिए मैडम साहब से कोई हम लोग का दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि हमको सेफ्टी अगर ना मिले तो हमको तो अंदर से डर पैदा हो रहा है। देखिए हम तो अपना जान लेके कहीं छुप जाएंगे, बच्चों को कहाँ छुपाएंगे, बीबी को कहाँ छुपाएंगे। आज तो मेरा घर अकेला नहीं है ना मैम, यहाँ इतना आदमी है, सबके बारे हमको सोचना है। अकेला हम तो छुप जाएंगे ठीक है, बाकी क्या होगा उन लोग के लिए। हम लोग सब इकट्ठा करके मन को सुकून करके, देखो बिगड़ने वाला एक होता है मगर बर्दाश्त करने वाला 10 होता है, 10 को बर्दाश्त करना जरूरी होता है। इसी कारण में लॉकडाउन में भी ऐसे आदमी भागने लगा था, मैं बोला देखो सब भाग जाएंगे तो खड़ा कौन रहेंगे। तो ऐसे मैं भी नहीं भागा था, लॉकडाउन में भी नहीं भागे थे, आज भी नहीं भागे मैम। इसलिए नहीं भागे, हमारा देश में सरकार है, प्रशासन है, इन लोग का सेफ्टी थी। जिस दिन आग जलाए थे उस दिन पुलिस वाले आए थे, फायर ब्रिगेडर आए थे, ये सारे लोगों ने का उन लोग का ऊपर भरोसा करके, हम सरकार के ऊपर, पुलिस वाले के ऊपर भरोसा करके हम आज यहाँ भी मौजूद खड़ा है मैम। ठीक है। आपका क्या नाम है? अब्दुल हलीम। ठीक है, आप भी जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी जाने का तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? कि डर के बारे क्या रहेंगे यहाँ, ये तो बहुत मुसीबत है। सेक्टर 67 के पास गुजर चौक है, और वहीं बगल में एक झुग्गी है, जिस झुग्गी में मैं यहाँ पहुँची हूँ। करीब 250 परिवार यहाँ रहते हैं अनुमान के तौर पर, और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम हैं, लेकिन ये रहने वाले अलग अलग ज़िले के हैं। कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, और बाकी ज़िलों से है, बाकी राज्य से है बल्कि। देखिए मैं इस वक्त 67 के एक झुग्गी में हूँ, और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा सकूँ, ज़्यादातर यहाँ 250 लोग जो यहाँ रहते हैं वो मजदूर हैं। हर दिन की कमाई के हिसाब से उनका परिवार चलता है, और ज़्यादातर इसमें मुस्लिम हैं, और अलग अलग राज्य के हैं। कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई उत्तर प्रदेश से है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं गुरुग्राम में, लोगों के मन में, ख़ास तौर पर जो मजदूर वर्ग है, उनके मन में इस बात का डर बैठ गया है कि क्या उनका यहाँ रहना किसी तरीके का ख़तरा तो नहीं है, सुरक्षित क्या वो हैं। लोगों के मन में भय है, और यही वजह है कि लोग आसपास में जो रहते हैं वो अब अपना घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए गाँव की तरफ जा रहे हैं, जिसमें से एक शख्स मुझे यहाँ सामने नज़र आ रहा है। क्या नाम है आपका? मिन्नल। मिन्नल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बंगाल का। बंगाल, तो यहाँ फैमिली रहती है आपकी? हाँ। अच्छा, कितने लोगों का परिवार है? ये तो मालूम नहीं कितना है। अरे परिवार आपका कौन कौन है घर में, वही तो पूछ रही हूँ। और मेरा 4 भाई है हम लोग। ठीक है। और एक बहन है। ठीक है। पत्नी? पापा मम्मी है। पत्नी नहीं है? हाँ। तो बताओगे ना? पत्नी है, बच्चा है, बच्चा 2 है, एक लड़का एक लड़की। ठीक है। तो आप तैयारी कर रहे हैं घर जाने की? लगता है ऐसे ही जाना चाहता हूँ अभी, उसके बाद क्या होगा तो मालूम नहीं। तो 2-4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, उसके बाद आना ही होगा। सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, बस यही है। कर्फ्यू की वजह से कुछ काम मिला है कल से? ये तो नहीं। काम नहीं मिला? नहीं। क्या करते हैं आप? हम तो लेबर गिरी करते हैं। तो कल से काम नहीं किया? कल से नहीं किया।
कल परसों से नहीं किया, दो दिनों भी नहीं किया। सरकार तो कह रही है कि आप जो भी लोग यहाँ रहते हैं, मजदूरी करते हैं, वो ना जाए, यहाँ सब कुछ सुरक्षित है, शांति का माहौल है, इसीलिए जा रहा हो तो बच्चे को भी रोता है, इसीलिए देख के आ जाएंगे, दो चार दिन आठ दिन जो लगेगा उसके बाद तो आना ही होगा। हम लोग को तो गरीब आदमी है, अमीर तो नहीं है, तो घर पे जाके बैठ जाएंगे और खाना खा लेंगे, सब कुछ है घर पे।